करें सीट्स की, तो सीट्स यार बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। अरे लोग जाते हैं थोड़ा ऐसे वाले, मतलब वो टेंशन ही ले। इसमें किसी पैसेंजर का बर्थडे था लेकिन ये नहीं पता किसका बर्थडे था। हे गाइज व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत ऑफ रियल एडवेंचर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जलंधर पंजाब। तो अभी मैं मौजूद हूँ जलंधर में और भाई साहब सुबह से जो वेदर है ना, मतलब धूप तो निकलने का बिल्कुल नाम ही ले रही है, इतनी ठंड हो रही है यार। देख रहे हो मेरा हुलिया देख कर आपको समझ आ रहा होगा कि भाई साहब कितनी ठंड इस टाइम पर जलंधर में हो रखी है। वैसे जी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मौजूद हूं जलंधर में इंडो कैनेडियन के लाउंज में, और एज यूजुअली क्योंकि इंडो कैनेडियन के लाउंज में मौजूद हूं तो आज की जर्नी रहने वाली है इंडो कैनेडियन की बस में। और आज की जर्नी की अगर बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा खास आज की जर्नी रहने वाली है, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं इंडो कैनेडियन की मर्सिडीज सुपर हाईटेक फर्स्ट क्लास, या फिर बिजनेस क्लास बोल सकते हो तो उसी बिजनेस क्लास बस में आज हमारी जर्नी रहने वाली है। एक्चुअली जब हम दिल्ली से मनाली ट्रैवल कर रहे थे लक्ष्मी हॉलीडे की वॉल्वो 9600 में, तब मैंने ये बस देखी थी और तभी से मेरा प्लान था कि नहीं यार ये वाली जर्नी करनी है। तो स्पेशली आज वही जर्नी करने के लिए हम आ रखे हैं जलंधर। आपने अगर वो वीडियो गौर से देखी होगी तो आपने वो इंडो कैनेडियन की बस नोटिस करी होगी, जिसमें हर सीट के पीछे रहते हैं LED TV और बस रहती है बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस। बाकी बात करें आज की जर्नी की, तो आज हम अकेले जर्नी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बसेज क्लिक्स अबिन, क्या है भाई जर्नी भी देखे, अक्षय क्या है भाई, एस के हम सफर, शिवम क्या है भाई, बढ़िया। तो जी सारे भाई लोगों के साथ आज की जर्नी हमारी रहने वाली है मर्सिडीज की बिजनेस क्लास बस में। एक्साइटेड फॉर बिजनेस क्लास बस, ठंड तो है ही। तो जी बात करें जर्नी की, तो जर्नी रहने वाली है करीबन 397 किलोमीटर यानी 397 किलोमीटर की। बस का फेयर हमने पे करा है 2200 रुपीज़ यानी 2200 रुपये, और बस की टिकट मैंने बुक करी है इंडो कैनेडियन की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको शो कर दूंगा। बाकी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बस में काफ़ी टाइम से ट्रैवल करना चाह रहा था। और बाकी जी क्योंकि अभी हम जलंधर में, तो आपको बता दूँ जलंधर फेमस है अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो अगर कोई जलंधर में से वीडियो देख रहा है तो मुझे ये बताओ कि जलंधर और किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, तो कमेंट करके फटाफट से बताओ। बाकी जी जहाँ भी मैं बैठा हूँ इंडो कैनेडियन के लाउंज में, भाई साहब क्या जबरदस्त लाउंज बना रखा है, ये देखो, देख रहे हो कितना शानदार ये लाउंज है। अगर आप इंडो कैनेडियन की बस में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ बैठ के अपनी बस का वेट आप कर सकते हो, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो जी ये सामने इंडो कैनेडियन की वही बिजनेस क्लास बस है जिसमें आज का हमारा सफर रहने वाला है, और जस्ट लाउंज के नीचे इन्होंने थोड़ा सा वॉशिंग सेंटर, मेंटेनेंस सेंटर बना रखा है, जहाँ पे बस की वॉशिंग वगैरह होती है और थोड़ी बहुत होती है मेंटेनेंस। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, जब भी बस जर्नी पे निकलती है ना तो बस बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर निकलती है। तो जी बस हो रही है अभी वॉश, बस वॉश होकर आएगी, मैं करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होगा, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी जलंधर पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट की इंडो कैनेडियन मर्सिडीज बेंज बिजनेस क्लास सीटर बस की। बस में बोर्ड कर लिया और जितना नाम सुना था इंडो कैनेडियन की मर्सिडीज बेंज बिजनेस क्लास बस का, भाई साहब उतना ही ये हमारे उम्मीदों पे खरी उतरी है। बस देख रहे हो भाई साहब कितनी शानदार, कितनी प्रीमियम, कितनी लग्जरी है। हर सीट के आगे आपको मिलती हैं टीवी स्क्रीन्स और सीट है कुछ कुछ सोफा स्टाइल्स में। बाकी बात करें ओवरऑल बस के इंटीरियर की, तो इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऊपर दिया गया है लगेज रखने का कंपार्टमेंट, जो कि काफ़ी बड़ा है यार। मतलब देखो इसमें अच्छे खासे बड़े बड़े बैग आपके आ जाएंगे, मेन जो बड़े बड़े बैग है वो तो नीचे आ ही जाएंगे, बट उसके अलावा आपके पास जो और कैरी बैग्स हैं वो भी यहाँ पे आसानी से आ जाने वाले। ये देखो अक्षय भाई ने अपना अटैची बैग पूरा यहाँ पर रख दिया है छोटे वाला, तो ये पूरा यहाँ पर आसानी से आ गया है। और बाकी हर सीट पर दिया गया है कमाल का फीचर, यहाँ पर है एक बटन और इस बटन को अगर आप दबाएँगे तो सीट बन जाती है रेक्लाइनर, बढ़िया। तो यहाँ है वो बटन जो भी आपको मैं बता रहा था, ये देखो उसको नीचे करना है तो आप इसको दोबारा साइड वाला बटन प्रेस करिए, ये दोबारा नीचे चलेगा। बाकी बस में ऑन बोर्ड खाने पीने की सुविधा के लिए यहाँ पे हमें मिल जाता है ये प्यारा सा
एक बोर्ड जो ऐसे करके बाहर निकल जाता है, इसमें यहाँ पे आप अपना खाने पीने का सामान रख सकते हैं और बस में बैठे बैठे खाने का एंजॉय भी कर सकते हैं। बाकी जी हर सीट के नीचे आपको मिल जाते हैं चार्जिंग सॉकेट्स, हर सीट के ऊपर आपको मिल जाते हैं एसी के ब्लोअर्स और रीडिंग लैंप। बाकी जी बस में आपको मिल जाती है सीसीटीवी की सर्विलियंस और यहाँ लगा एक फर्स्ट एड बॉक्स। बात करें सीट्स की तो सीट्स यार बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, और सबसे ज्यादा जो फीचर मुझे पसंद आया ना, रिक्लाइन करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, वो फीचर मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। और आपको अभिन भाई तो बहुत ज्यादा मतलब ये सीट्स है, मतलब ऐसे इंडिया में बहुत ज्यादा कम बस ऐसी और आनी चाहिए मजेदार चीजें। बाकी की बस की और बात करें तो मर्सिडीज की सुपर हाईटेक बस करीबन 15 मीटर लॉन्ग है, बस फुली मेंटेन है, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है, तो सफर करने में आ जाने वाला और भी ज्यादा आनंद। तो जी टाइम हो रहा 2:15 और फाइनली हमारी बस निकल चुकी है जलंधर पंजाब के इंडो कैनेडियन ऑफिस से। और जी बाकी बात करें इस NH-44 की, तो काफ़ी जर्नी हमने इस NH-44 पे करी है और आपको इसके बारे में बताया भी है। तो NH-44 कहीं ना कहीं जाता है श्रीनगर कश्मीर टू कन्याकुमारी, और इस NH-44 पे एक स्ट्रेच पड़ता है GT रोड का, जो कहीं ना कहीं जाता है काबुल अफगानिस्तान से बांग्लादेश, और इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जाता है अमृतसर से कोलकाता। और बाकी जी आप देख रहे हो कि हर सीट के पीछे लगे टीवी स्क्रीन्स चालू हो गए हैं, ये बस एज अ फैंसी शो पीस की तरह नहीं है, ये वर्क भी करते हैं, पहले ये बंद पड़े हुए थे लेकिन अभी ये चालू कर दिए गए हैं। तो जी देखो ये इसमें इधर मूवी हमारे अक्षय भाई देख रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हो भाई? हाँ तो काफ़ी अच्छी खासी प्ले लिस्ट है यहाँ पर मूवीज़ की, सॉन्ग्स की, तो आपका जो मन करे वो आप सुन सकते हो या फिर देख सकते हो। तो जी बजरंगी भाई जानी देखोगे आप? मुन्नी को पाकिस्तान पहुँचा के ही आओगे आज आप? ये मूवी देख सकते हैं। बढ़िया मूवी है, चलो जी। जी ये सामने आप जो नदी देख रहे हो ये है सतलुज नदी, ये वही सतलुज नदी है जो कहीं ना कहीं निकलती है मानसरोवर तिब्बत से और हिमाचल के थ्रू आती है पंजाब में, और पंजाब के थ्रू कहीं ना कहीं चली जाती है पाकिस्तान में। और भाई साहब क्योंकि अभी हमें पंजाब में तो ऐसे खेत खलियान और हरियाली वाले नज़ारे हमें देखने को मिलते रहने वाले हैं, जिसको देख के यार दिल बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो जाता है। देख लो नज़ारे सामने कितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं।
भाई साहब एक चीज़ तो है, बस अभी चल रही है 83 की स्पीड से, अभी आप देख रहे हो कि 83 को क्रॉस भी कर रही है। बढ़िया, जब बस चल रही है ना, बिल्कुल भी ना फील नहीं हो रहा कि यार इतनी तेज बस चल रही है, मतलब इतनी स्मूथ ये जर्नी चल रही है ना इस मर्सिडीज बेंज बस में, कि भाई साहब मज़े आ रहे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा सफ़र का, बहुत स्मूथली चल रहा है। देखो ये सामने में भी ना वैनिटी वैन जा रही है इधर, और देखो ये कहीं होर्डिंग पे लिखा हुआ था इधर लेफ्ट टर्न फॉर चंडीगढ़, तो यहाँ से कहीं ना कहीं लेफ्ट में रास्ता आगे निकल जाता है चंडीगढ़ के लिए। तो जी बस ने अभी छोटा सा हॉल्ट लिया है, एक्चुअली यहाँ से बस में पैसेंजर्स की बोर्डिंग होगी। वैसे मैं आपको बता दूं अभी हम रुके हैं इंडो कैनेडियन के लुधियाना वाले ऑफिस पे, और इसके अंदर भी लॉन्च की सुविधा अवेलेबल है। तो जी ये है वो लुधियाना का इंडो कैनेडियन का ऑफिस प्लस लॉन्च, जिसके बारे में आपको बता रहा था। अभी बस रुकी हुई थी तो मैंने सोचा कि अंदर से आके आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो जी इंडो कैनेडियन की एक चीज़ तो काबिले तारीफ है, लॉन्च चाहे जलंधर का हो या फिर हो लुधियाना का, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा शानदार लॉन्च इन्होंने बना रखे हैं। चलो पाजी। तो जी टाइम हो रहा 5:03 और बस अभी रुकी है राजपुरा ईगल मोटल। तो जी बेसिकली खाने पीने के लिए यहाँ पे हॉल्ट लिया गया। बाकी बात करें सफर की तो सफर यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यार इतनी कंफर्टेबल बस, इतनी लग्जूरियस बस मैंने तो यार अपनी लाइफ में अब तक देखी नहीं। मतलब सफ़र इतनी स्मूथली निकल रहा ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा भाई साहब कि कब इतना सफ़र कट गया, इसका अंदाज़ा भी हमें नहीं लग पाया। और ऊपर से जो बस है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, चाहे वो ऊपर लगेज रखने का स्पेस हो या फिर बस में अंदर सीटिंग वाले पोर्शन का स्पेस हो, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं, पेट का काम 25 करते हैं, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। तो जी ये है ईगल मॉडल का कुछ मेन्यू, और भाई मेन्यू देख के ना सबके तोते थोड़े से उड़ से गए हैं। रेट हाई है तो फिर हमने आखिरी में डिसाइड कर लिया, रेट थोड़े से हाई है लेकिन यार हाइजीन और नीट एंड क्लीन का ना काफी ध्यान रखा गया। देखो एक चीज तो है, इंडो कैनेडियन के जितने भी रेस्ट स्टॉप है ना वेल मेंटेन नीट एंड क्लीन है, चाहे प्राइस बेशक से थोड़ा सा वहाँ पे हाई हो। चक्कर है अब हम अकॉर्डिंग पता क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं जर्नी के हिसाब से, बट अगर हम अपने शहर में जाते हैं कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना इतने रेट का ही मिलता है। हमने इसमें से ऑर्डर कर दिया है एक आलू पराठा, 2 पनीर पराठे और एक एग भुर्जी। बाकी जी पनीर पराठे की आपको रेट बता दूँ, रेट है 144 1 पराठा जो कि अभी हमने ऑर्डर करा है। और आलू गोभी का भी उतना ही, आलू गोभी मंगाया आलू प्याज मंगाया, आलू प्याज वही रेट, 2 पनीर पराठे एक आलू प्याज, हाँ वो 110 उसका भी मैक्सिमम उतना ही रेट है, 120-130 के आसपास है। ये नहीं यही था रुको, अच्छा उसका है 110 रुपये। तो जी खाना वाना लग चुका है, इधर पनीर के पराठे लग गए, इधर आलू प्याज का पराठा लग गया, उधर लग गए एक एग भुर्जी। तो जी
खाना वाना खाते हैं फिर बताते हैं आपको कि खाना आखिर है कैसा। खाना वगैरह खा लिया, खाना बहुत अच्छा था लेकिन लिटिल बिट कॉस्टलियर भी था। तो जी कैसा लगा खाना वाना? खाना अच्छा था, खाना अच्छा था लेकिन बिल थोड़ा सा मोटा था। हाँ कॉफी 120 रुपए की थी, चाय 40, कॉफी 3 गुना यार। खाना अच्छा था लेकिन लिटिल बिट कॉस्टली है। एक्चुअली जो इंडो कैनेडियन आपको पता ही यार, नरे लोग जाते हैं थोड़ा पैसे वाले, मतलब वो टेंशन नहीं लेते यार, किराया इतना महंगा है तो क्या खाने को सोचेंगे। सही बात है, तो ऐसे ये ढाबा नहीं रेस्टो है तो चलता है, चलता है, कभी कभी होता है यार। चलो चलते हैं फिर। तो जी पेट का काम 25 अभी कर लिया, अभी चलते हैं बस में और सफर को करते हैं कंटिन्यू। तो जी टाइम हो गया 6:26 और फाइनली पंजाब से बाहर आके हम अभी आ गए हैं हरियाणा में, और हरियाणा में बेसिकली अभी हम चल रहे हैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। और कहीं ना कहीं सिटी अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं जो फ्लाईओवर के नीचे रह गई है बेसिकली वो है अंबाला कैंट। तो जी ये सामने जा रही है हरियाणा रोडवेज की मर्सिडीज सुपर हाईटेक बस, और इसका व्लॉग भी मैं डाल चुका हूँ ऊपर आई बटन में, कहीं ना कहीं व्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। और मुझे कमेंट करके ये बताओ क्या हरियाणा रोडवेज की इस मर्सिडीज़ को हम चेस कर सकते हैं या नहीं। बाकी जी अभी तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। सेम लोकेशन की बात आपको बताऊं तो जिस दिन हम मनाली जा रहे थे लक्ष्मी हॉलीडे की वॉल्वो 9600 में, सेम लोकेशन में इतना ज़्यादा कोहरा था भाई साहब, कैबिन राइड लेने में भी ना बड़ा डर सा रह रहा था, लेकिन आज अभी माहौल थोड़ा साफ साफ सा है तो राइड बिल्कुल स्मूथ जा रही है। तो जी टाइम हो रहा है 8:30 और बस ने लिया है 15 मिनट का हॉल्ट हवेली पानीपत पे। तो जी बस यहाँ रुकी है करीबन 15 मिनट के लिए, तो थोड़ा बहुत फ्रेशन अब यहाँ पे हो लेते हैं। बाकी क्रिसमस का प्रोग्राम है, आज क्रिसमस है तो अलग ही चकाचौंध यहाँ हवेली पे आज हो रखी है। तो जी बस में किसी पैसेंजर का बर्थडे था लेकिन ये नहीं पता किसका बर्थडे था, लेकिन केक मिल गया वही काफी है। केक खाने का मतलब है ड्राइवर साहब को हैप्पी बर्थडे बना दिया भाई, केक खाना भाई, केक चाहिए हमें तो फटाफट से। ठीक है जी बर्थडे किसका है वो तो पता नहीं लेकिन केक मिल गया, बढ़िया है। हैप्पी बर्थडे टू अननोन, आपको अपने मास्टर साहब और ड्राइवर साहब से तो मिलवाना भूल ही गए। क्या नाम है सर आपका? सर आपका क्या नाम? हमारे दो मेंबर गायब थे और केक की खुशबू ऐसी आई कि हमारे दो मेंबर भी यहाँ पे आ गए। केक टेस्टी है ना, केक का वेट कर रहे थे ना, बर्थडे किसका पता नहीं लेकिन केक टेस्टी है। मैं भी इधर है। तो बस की बारिश बनाई हुई है सेट बोर्डिंग को।
फाइनली हम पहुंच गए हैं IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो जी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं पहुंच गया हूं कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3। तो जी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा हूं बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का सा यहां पे मुझे नज़र आ रहा है। अब लोग या तो न्यू ईयर क्रिसमस पे इंडिया की तरफ आ रहे हैं जो बाहर ना रहते हैं, या फिर कोविड प्रोटोकॉल की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड का खतरा बढ़ रहा है हो सकता है कि बाहर से जो NRI लोग हैं वो इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट मेन मुद्दे की बात है कि एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और भीड़ के साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। बाकी जी बात करें जर्नी की, तो जर्नी बहुत बढ़िया थी और बस उससे भी ज़्यादा बढ़िया थी, क्योंकि इतनी लग्जूरियस बस में मैंने तो यार अभी तक ट्रैवल नहीं करा। तो इंडो कैनेडियन की मर्सिडीज़ बिजनेस क्लास बस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और टाइम पे भी पहुंचा दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। बाकी रेस्ट ऑफ हाइजीन वगैरह भी बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से किराया थोड़ा सा महंगा था रेस्ट स्टॉप पे, उस हिसाब से खाना पीना भी थोड़ा सा महंगा था, लेकिन ठीक है भाई, जिस हिसाब से उन्होंने अपना नाम इस्टेब्लिश करा हुआ है और लोग आते हैं पे करते हैं, तो उसी हिसाब से उनके रेस्ट स्टॉप भी थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी। जर्नी बहुत बढ़िया थी, सफ़र बहुत अच्छा था और बस बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी। जी भाई कैसी लगी फिर बस और कैसा लगा सफ़र? बट तो बढ़िया लगा भाई बिल्कुल। और बस हमें बताएंगे अपने को, देखो अपन तो बस फैंस है, अपने को तो ऐसा लगेगा ट्रेन फैंस को कैसा लगता है भाई, कैसा लगा ट्रैवल? देखो मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जो सीट का पुशबैक था वो काफी बस वैसे काफी लग्जरियस है। बस एक चीज की मेरे को कमी लगी, ब्लैंकेट नहीं दिया, ठंड बहुत है, ब्लैंकेट देना चाहिए वैसे। सही बात। बाकी ऑल ओवर स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा था। ठीक है पाजी। हाँ जी पाजी, कितना लगा फिर सफर? भाई सफर तो बहुत बढ़िया रहा, बट मैं यहाँ देख के डर गया, भीड़ बहुत हो गया। भीड़ नहीं, इसको रेलवे स्टेशन भी नहीं कह सकते, बस स्टैंड भी नहीं कह सकते, एयरपोर्ट तो है ही नहीं। बाकी बस कैसी लगी? मजे आ गया मजेदार। तो ठीक है दोस्तों, सफर अच्छा लगा, होपफुली दोबारा फ्यूचर में जल्दी मिलेंगे और जल्दी नई नई जर्नी करेंगे। और बाकी जी भाई लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो भाइयों को सपोर्ट करो यार। अगर चैनल के नाम नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि जर्नीज विद AK बसेस क्लिक्स और SK हम सफर। भाइयों का चैनल चेक करो और उनको सपोर्ट करो। बिल्कुल भाई, सुनो सुनो वीडियो ऐसे ना बंद करो यार, अगर वीडियो पसंद आई, मेहनत पसंद आई, जर्नी पसंद आई, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फेवरेट पार्ट जरूर बताना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो भाई को फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई। तो जी वैसे आपको बता दूं कि बस मेरे घर के बिल्कुल नजदीक से निकली थी पंजाबी बाग से, वैसे तो मैं वहाँ उतर सकता था, लेकिन यार जर्नी आपको पूरी दिखानी थी, इसलिए स्पेशली मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब यहाँ से वापस जाऊँगा अपने घर। तो जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बैक टू बैक कंटेंट आपको दे रहे हैं, और आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो और यार उतना रिस्पांस नहीं दिखाते हो, थोड़ा सा बुरा लगता है, तो यार वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है। चलिए जी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू और